हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि चैप्टर नंबर 4 में मटेरियल है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में है, ठीक है। तो इसका जो टेक्स्ट बुक था उसको मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया था टेक्स्ट बुक को। अब मैं आपके जो एनसीईआरटी बुक है उनमें कीवर्ड्स जो दिए गए हैं और एक्सरसाइज के सोल्यूशन को लेकर आज वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपको एक्सरसाइज के जो आंसर क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, उनके पूरे को एक्सप्लेन करूंगा विथ आंसर सोल्यूशन के साथ। दूसरा चीज, आपका जो कीवर्ड है उनको एक एक करके सब कीवर्ड की मीनिंग बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो क्लास तक में बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको ये सारी चीजें सीखना है तो वीडियो क्लास तक हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो चलिए, ये बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला कीवर्ड आपका क्या है? एटम। जी हाँ दोस्तों, पहला क्या कीवर्ड है आपका? एटम। तो एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम जो होता है, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है बच्चों, तो वो क्या होता है? एटम ही होता है। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। रिटेन दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। वो उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। दूसरा कीवर्ड है आपका दोस्तों कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है कि वो, हिंदी में बोलते हैं उसको चालक। क्या बोलते हैं? चालक। क्या बोलते हैं दोस्तों? चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालक। अब चालक तो है, लेकिन किसका चालक? यहाँ पे वो ऐसा मत समझ लेना बस वाला कंडक्टर। बस वाला कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात होने वाली है। चलिए, तो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कंडक्टर आर मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल होता है या सब्सटेंस होता है जो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए? फ्लो हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट और हीट दोनों क्या हो जाएं? फ्लो हो जाएं या उसको एलॉय कर दे, तो वो क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। चलिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऐसी रिएक्शन होती है कि व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, देन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस इन द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है? सपोज दैट, जैसे मान लीजिए हमारे पास CuSO4 है और यहां पर मैंने जिंक से रिएक्शन करवा देता हूं, तो क्या बन जाता है? ZnSO4 बन जाता है। क्या बन जाता है? ZnSO4 बन जाता है प्लस Cu अलग हो जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि यहां पर जो कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन बना था, कॉपर क्या होता है? जिंक से कम रिएक्टिव होता है, तो क्या कर देगा? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद बना लेगा क्या? जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, डक्टिलिटी का मतलब होता है, डक्टाइल का मतलब होता है ड्राई इंटू थिन वायर। तो ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो? एक थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए, द प्रॉपर्टी भी चला है द मेटल टू बी ड्रॉ इंटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एलिमेंट क्या होते हैं? सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू टू एंड मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एलिमेंट। केमिकल रिएक्शन के द्वारा सब्सटेंस को और भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता या उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता, उसी को क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है। अगला चीज क्या है बच्चों? हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है एक मजबूती होती है सरफेस की। तो मेटल हार्डनेस इन द करेक्टरिस्टिक दैट डिटरमाइन द सरफेस बियर एंड अब्रेसिव रेजिस्टेंस। कितना वो बियर कर पाता है? बियर मतलब उसके सहने की क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डेंटिंग फ्रॉम इम्पैक्ट रिलेटिव हार्डनेस एज वेल एज मटेरियल डक्टाइल। मतलब कितना अच्छा मटेरियल मजबूत होता है कि उसको हम थोकते पीटते हैं तो वो टूटता नहीं है और एक डक्टिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मेलेबिलिटी क्या होता है? मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी मटेरियल को ठोको पीटो तो वो एक सीट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट रैप्चर, बिना टूटे। तो द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन सीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज है। अगला क्या है बच्चों?
मेटल मेटल दोज मटेरियल विच पोसेस करेक्टरिस्टिक्स बिलोंग हार्ड हो, शाइनिंग हो, मेलेबल हो, फिजिबल हो, डक्टाइल हो, अगर ये सारी चीजें उसमें हैं तो वो मेटल कहलाता है। मेटोलाइट क्या होते हैं? मेटोलाइट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। देखिए मेटोलाइट फॉल बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। मेटोलाइट क्या करते हैं? मेटल और नॉन मेटल दोनों को फॉल करते हैं। पीरियोडिक टेबल, दे आल्सो फॉल बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल टर्म ऑफ देयर प्रॉपर्टी। इनके प्रॉपर्टी को दोनों के बीच में ही होते हैं। आई होप्स आपको इतना समझ में आया है। अगर समझ में आया दोस्तों तो तुरंत लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को बटन को दबाना कभी मत भूलो। तो इनको भी करवा देता हूँ। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिसमें डू नॉट सोनोरस, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट प्रोसेस इन द मेटेलिक क्लस्टर द प्रोसेस, नो मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती है वो हम नॉन मेटल कहलाते हैं। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में पाई जाती है, जिसको अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको सोनोरस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका इंतजार था कि एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन बहुत जल्द बता दिया जाए। सर पहले एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन बता दो, तो मैं आपका इंतजार खत्म हुआ। अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन। तो पहला है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। भैया यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, इनको ठोकने पीटने पर एक शीट बन जाए, तो कौन बनेगा ऐसा? मेटल। मेटल कौन है इनमें से बताइए? मेटल कौन है? जिंक मेटल है, बाकी ये क्या है? नॉन मेटल है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। फास्फोरस और सल्फर तो चलो ठीक है, सॉलिड में होते हैं, ऑक्सीजन तो गैस होता है। तो देखो यहाँ पे नोट में देखा लिखा भी है कि जिंक एज अ मेटल, मेटल इज अ प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी कैन कन्वर्टेड इनटू थिन बीटिंग द रेस्ट ऑफ दीज नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल में प्रॉपर्टी नहीं होती। फिर अगला ऑप्शन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट कलर, ऑल मेटल आर डक्टाइल, पहला, नॉन मेटल, ऑल नॉन मेटल इज डक्टाइल, ये तो करेक्ट नहीं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल डक्टाइल होते हैं। इसमें एक जो लिखा है ऑल मेटल, तो जो मेटल एक होता है, एक लिक्विड मेटल होता है, कौन सा? मरकरी। तो ये वाला करेक्ट नहीं है, थर्ड वाला आपका करेक्ट है। सम नॉन मेटल आर डक्टाइल, गलत, केवल एक ही आपका ऑप्शन चाहिए जो है थर्ड, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स लिखा, फास्फोरस इज अ वेरी नॉन मेटल लिखा, तो वेरी क्या है? वो रिएक्टिव है। क्या है बच्चों? रिएक्टिव है, ठीक है। अगला क्या लिखा, मेटल आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अगला क्या है आपका, मेटल आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या बोलोगे? मोर, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस H2 गैस, कोई भी मेटल जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया HCl एसिड ले लिया, और इसमें अगर हम क्या करा दें, Mg मेटल की रिएक्शन करवा दें, तो क्या हो जाएगा? MgCl2 बन जाएगा, प्लस H2 गैस रिलीज कर देता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अगला क्या, टू एंड क्या करना, स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है आपको, क्या होगा, जनरली जो नॉन मेटल, क्या लिखा, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, क्या करते हैं? जनरली मेटल, ठीक है। तो जनरली मेटल तो क्या करते हैं? नॉन मेटल नहीं करते, ठीक है। नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड रिलीज टू H2 गैस, नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, गलत बात, ये गलत है, नहीं करते। कौन करता है? अभी मैंने बताया, मेटल करते हैं, ठीक है। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, यस, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। इसमें और भी होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम, वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये मॉइस्चर में भी रिएक्शन कर लेते हैं, सोडियम को अगर हवा और मॉइस्चर मिल जाए तो आग लगा देता है भैया। इसीलिए सोडियम पोटेशियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कॉपर डिस्प्ले जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, गलत बात, कभी नहीं होता। कॉपर सल्फेट, कॉपर जिंक सल्फेट से क्या अलग कर पाएगा? नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर सल्फेट को जिंक डिस्प्लेस करता है, क्योंकि जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव देन कॉपर से होता है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेसमेंट करता है। अगला है क्या, कोल कैन बी थिन डार्क, अरे गलत बात भाई, कोयले को क्या बार बना सकते हो? पॉसिबल ही नहीं, गलत है। चलिए अगला क्या है,
आपका सम द प्रॉपर्टी बताना है कि मेटल और नॉन मेटल की क्या होती है, तो अपीयरेंस कैसा होता है, हार्डनेस क्या होता है, मेलिबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, हीट कंडक्शन क्या होता है, कंडक्ट एलिमेंट्स क्या होता है। तो इसको देखिए, मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, अपीयरेंस कैसा होता है मेटल, लस्टर होता है, फिर क्या होता है, हार्ड होता है, मेलिबिलिटी मेलेबल होता है, डक्टिलिटी मेटल में प्रॉपर्टी होती है, गुड कंडक्टर होता है हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल क्या होता है, डल होता है, बच्चों कैसा होता है, डल, और ध्यान से देखना कैसा होता है, डल होता है, सॉफ्ट होता है, नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल, बेड कंडक्टर, बेड कंडक्टर, ठीक है, यह डिफरेंस है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपको रीजन देना, क्या देना है, रीजन, तो रीजन कैसे, एल्यूमिनियम फॉइल यूज इन द वॉर फूड एंड आइटम, देखा होगा कि जो खाने की आइटम्स होते हैं उसमें एल्युमिनियम की फॉइल एक पन्नी चढ़ी रहती, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम एक मेटल है और एक बहुत पतली सीट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, एल्युमिनियम फॉइल यूज इन द वॉर आइटम बिकॉज इन द एल्युमिनियम हाईली मेलेबल, हाईली मेलेबल होता है, जिसको ठोकने पीटने पर वो सीट बन जाता है, डज नॉट रिएक्ट विथ फूड, और वो फूड से रिएक्शन भी नहीं करता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला चीज क्या पूछ रहा है, अगला क्या है, इमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड और मेड अप इन द मेटेलिक सब्सटेंस। तो देखो, द मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है, देयर फॉर इमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड मेड इन द मेटेलिक सब्सटेंस, मतलब पानी गर्म करने वाला जो होता है ना रॉड, उससे अपन पानी गर्म करते हैं जिससे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है। रिएक्टिविटी, अगला क्वेश्चन है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, क्यों नहीं करेगा भाई, जिंक, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इन द सॉल्ट सॉल्यूशन, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उससे लेस रिएक्टिव होता है। देखो, रिएक्टिव ऑफ जिंक इन द हायर देन कॉपर होता है, ओनली मेटल हायर रिएक्टिविटी ही उसको डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम इन द सॉल्ट सॉल्यूशन से। ओके, सोडियम पोटेशियम इन द हाईली रिएक्टिव होता है, दे कैच फायर, इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, एयर और इसके कॉन्टेक्ट में रखते हैं, इसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन, अभी मैंने बताया कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। कैन यू स्टोर लेमन पिकल एल्युमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन, अरे भैया लेमन क्या होता है, एसिड होता है, एसिड, एसिड को अगर आप मेटल में रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो H2 गैस गिव करेगा, H2 गैस अगर किसी में हो जाएगा तो वो स्पॉइल हो जाएगा, स्पॉइल मतलब सड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पॉइल मतलब सड़ जाएगा। अब देखो, नो वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल एल्युमिनियम यूटेंसिल, आपने देखा होगा अगर नींबू का अचार किस में रखा जाता है, या तो प्लास्टिक के बर्तन में या तो ग्लास के बर्तन में रखा जाता है, लोहे के बर्तन में रखा जाता है, कभी मेटल में रखा जाता है, नहीं रखा जाता। यही रीजन है कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस एंड दे पिकल इन द स्पॉइल, मतलब एसिडिक नेचर, विच इन द एसिडिक नेचर होता कैन स्पॉइल, स्मेल करने लगेगा। अगला क्वेश्चन, विच इन द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द कॉलम वन कॉलम टू यूज गिवन, मैच दी कॉलम बताना है। तो देखो, सबसे पहले आप समझो यहाँ पे क्या दिया है आपका, कि कह रहा गोल्ड का यूज क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाने में काम करते हैं, आयरन का यूज क्या करते हैं भाई, मशीन बनाने में, एल्युमिनियम का यूज क्या करते हैं, वायर बनाने में, कार्बन का यूज किसको करते हो, कार्बन का यूज कहाँ करते हैं, फ्यूल के फॉर्म में करते हैं, पेट्रोलियम, कॉपर का यूज अच्छा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, एल्युमिनियम का ये इसको हटाओ, कॉपर का यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। अगला क्या है आपका, अगला क्या है, मरकरी का यूज थर्मोमीटर में करते हैं, ठीक है, गोल्ड का यूज ज्वेलरी में करते हैं, कहाँ का ज्वेलरी, आयरन का यूज मशीनरी में, एल्युमिनियम का यूज कहाँ करते हैं, वार फूडिंग में करते हैं, मतलब फूड में पन्नी लगाने के काम में आता है, कार्बन का यूज फ्यूल में, और कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक वायर बनाने में काम करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत शानदार, जिसका था इंतजार वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्योर ऑन कॉपर प्लेट, एंड दूसरा क्या है, क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट को अगर आप डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में करोगे तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, H2 गैस लिबरेटेड हो जाएगी, यहां पर हो गया भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डायल्यूट एसिड, क्या करता है, डायल्यूट एसिड से नहीं करता, वो कंसंट्रेशन एसिड से करता है, व्हेन इन द कंसंट्रेशन एसिड द प्योर इन द कॉपर प्लेट कॉपर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस। एक बात याद रखना यहाँ पे कि जो डायल्यूट एसिड के साथ कॉपर रिएक्शन नहीं करता, डायल्यूट एसिड के साथ कॉपर रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, किसके साथ करता है, कॉन्सेंट्रेशन,
अब आप सोच रहे हो डायलूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। डायलूट का मतलब उसमें एसिड की मात्रा कम होती है और वाटर की मात्रा ज्यादा होती है। कॉन्सेंट्रेशन में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, वाटर की मात्रा कम होती है। डायलूट कम तेज होता मतलब ज्यादा रिएक्टिव होता है, डायलूट कम रिएक्टिव होता है और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर कह रहा है कि आयरन नील इन द प्लेस कॉपर सल्फेट। अगर आयरन नील आयरन की कीलें अगर आप कॉपर सल्फेट में डाल दोगे तो क्या हो जाता है, कॉपर आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो देखो रिएक्टिविटी आयरन इज मोर देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ओके, एक बात और मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे नहीं दिखा है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का। और आयरन क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ओके, तो जैसे ही ब्लू कलर में आप आयरन की कील डाल देते हो, ये दोनों रिएक्शन को मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अगला क्वेश्चन, सलोनी टूक अ पीस ऑफ द बर्निंग चारकोल इन द कलेक्टेड गैस इवॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब। तो हाउ विल इन फाइंड इन द नेचर ऑफ गैस, राइट डाउन वर्ड इन द रिक्वायर्ड। तो देखो अगर किसी भी कार्बन को आप जलाते हो तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो सम वाटर इन द टेस्ट इन द गैस कलेक्टेड द टेस्ट ट्यूब इन द स्लैग। अब कैसे पता चले कि यही गैस निकली है? तो इसको लाइम वाटर में डाल देते हैं, लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर में जैसे डालोगे CaOH का होल ट्वाइस, ये लाइम वाटर होता है, जैसे इसके साथ रिएक्शन करवा देते हो तो ये क्या कर देता है, मिल्की वे में कन्वर्ट हो जाता है। या तो इसको क्या कर दो, जो गैस निकल रही है इसको लिटमस पेपर के पास ले जाओ। लिटमस पेपर के पास ले जाओ तो जो रेड ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो CO2 होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, ध्यान देना, नॉन मेटल ऑक्साइड बच्चों कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक, ठीक है, मतलब एसिड होते हैं। और मेटल जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब बेस होते हैं। और एसिड तो आप जानते हो ब्लू को रेड कर देता है और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है। अब आपने देखा कि एक रीता नाम की है, जोली के पास जाती है उसकी मदर के साथ में। मदर इन द गोल्ड गोल्ड खरीदती थी, जोली इन द गोल्ड इसमें, नेक्स्ट डे इन द प्योर जोली इन द बैग द फाउंड इन स्लाइटली इन द लॉस इन द बेट। उसने क्या किया कि जब जोली के पास जाती है, सोना तो कुछ वजन पहले रहता है, कुछ दिन बाद उसका वजन कम हो जाता है दूसरी बार में। द पॉलिश ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट, मतलब जो गोल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट होता है, गहने वगैरह, तो उनमें पॉलिश रहती है। और जैसे ही वो डूब करता है वो एसिड में, एक्वा रिजिया। अब दोस्तों एक्वा रिजिया क्या होता है, अब यही नहीं पता होगा। तो एक्वा रिजिया क्या होता है? HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। थोड़ा मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, HNO3 का मिक्सचर होता है, इन दोनों का सोल्यूशन होता है। देखो क्या होता है कि गोल्ड जो होता है, AU फॉर्मूला होता है उसका, गोल्ड हो गया, सिल्वर होगा और प्लेटिनम होगा। ये इतने लो रिएक्टिव होते हैं कि इंडिविजुअली ये किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन दोनों का मिक्सचर तैयार कर दिया जाए तो रिएक्शन कर लेते हैं। और रिएक्शन करने के बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पर देखना, दी आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिसॉल्व इन द एसिड इन द इनर शाइनिंग लेयर इन द विजिबल। जब एसिड में वो डाल देता है एक्वारेजिया में तो उसको चमक फिर से आ जाती है, क्योंकि ऊपर की लेयर क्या हो जाती है, ऑक्साइड हो जाती है थी। बिकॉज इन द लॉस ऑफ अपर लेयर ज्वेलरी एंड द वेट रिड्यूज। और ऊपर अगर किसी की अपर लेयर हटा दी जाए तो उसका वेट एब्सोल्युटली कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ मैं एक चीज आपको बताया, इसको जरूर नोट करना बच्चों, एक्वारेजिया क्या होता है। सर क्या मुझे अभी जरूरत है? अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अगले क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक्वारिजिया, एक्वारिजिया, एक्वारिजिया किसका मिक्सचर होता है? हाइड्रोक्लोरिक, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ये कर लेते हैं। इसमें जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, इसलिए इनका मिक्सचर तैयार करके बनाया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहां तक देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए और घर पे रहिए,
सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ दोस्तों, लेकिन बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। चलिए अगले चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर आपका फिफ्थ है, और उसमें फिफ्थ में कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में है, तो बहुत जल्द मैं वो चैप्टर लेके आने वाला हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।